हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप देखिए, ये बहुत अभी अच्छी सुबह है, ठीक है। तो सुबह में आपको कैसा लग रहा है बताइए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ सुबह का दृश्य, मेरे बगल का दृश्य दिखा देता हूँ, ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। जहाँ हम लोग सुबह घूम रहे हैं, यहाँ का लोकेशन आप देख पाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अगर आप सुबह का नहीं घूमते हैं, ठीक है, तो आपको चालू कर दीजिए, क्योंकि ठंडी घूमने कुछ मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कंटिन्यू रह पाता है कि नहीं। ठीक है, पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते थे, लेकिन अब काफ़ी सुबह से छोड़ दिए थे। तो चलिए, हाँ से चालू किए हैं। पहले क्या होता था ना, जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे लोग थे, तो उन लोगों के साथ घूमा करते थे। अभी क्या हुआ ना, अभी रूटीन टूट गया है, ठीक है। काफ़ी दिन, 12 साल हो गया रूटीन से। हाँ, तो जब रूटीन टूट जाता है ना, तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना अच्छा नज़ारा है सुबह का दृश्य। ओके, तो चलिए कुछ कहानी सुनाते हैं आपको। हाँ देखिए, तो घूमने के बाद क्या है ना, आपका टाइम टेबल जो है सुबह का एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे कि सुबह सो के उठ लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपना रूटीन घूमने का जरूर रखिए, कम से कम आधा घंटा या एक घंटा। इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं, या पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर वर्क करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूर समय निकालिए, ठीक है। आपके पास ज़्यादा समय तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि अभी जो यह समय चल रहा है उसके हिसाब से आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जब जल्दी उठेंगे तो इससे क्या होगा ना, आपका जो दिन है अच्छा चलेगा। अच्छा कब चलेगा पता है, जब आप एक पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे तो कुछ करने का अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। आप एक बार उठ कर देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त लोग हैं जो काफ़ी समय से छोड़ चुके हैं, क्योंकि एक उम्र होता है, ये रहता है घूमने फिरने का, लेकिन फिर भी गुड मॉर्निंग ऐसा समय है, ठीक है, सुबह का समय जो उसमें आपको उठना ही चाहिए। ओके, तो मैं इसलिए प्रेरित कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि बहुत सारे लोग का जो बहुत सारे ओबेसिटी की प्रॉब्लम रहता है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज वगैरह से आपको ठीक कर सकते हैं। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसा लग रहा है, सब बताइए कमेंट करके। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का एम यही था कि मैं आपको कुछ बातें कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सुबह देख लीजिए, जिस समय यहाँ कोई आया भी नहीं है, और जब कोई नहीं आता है ना, तो अकेले काफ़ी बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका खुद से ही बात करना अच्छा लगता है, आप खुद से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हेडफोन लगा के और बातें करते रहो, या फिर म्यूजिक सुनते रहो, कि म्यूजिक सुनना उतना उचित नहीं है से सुबह टाइम। ये मेरा पहला ब्लॉग है, ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं किया था, ठीक है। बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कैमरा मैं करता था, ओके, क्योंकि जो सामने का जो दृश्य होता था मुझे अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ या फिर अपना फेस दिखा पाऊँ, ओके, क्योंकि छोटे छोटे कितना दिन आप सब ब्लॉगिंग करिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब टाइप लगता है हम लोग के लिए, अगर नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं या फिर नए लोग हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ पास देखिए आप लोग कैसा है दृश्य, इधर का काफ़ी सुंदर दृश्य है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर रखिए दोस्तों, क्या बता सकते हैं कि कहाँ का दृश्य है, तो ज़रूर बताइए, ठीक है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, मैं एक किलोमीटर का, आप मैं ऐसा किलोमीटर का बोर्ड दिखाता हूँ आपको, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं कहाँ से भी हूँ। ये देखिए दोस्त, मनेनगढ़ यहाँ से है आपका 56 किलोमीटर, और कटनी है 299।